तो शीट नंबर 38 आपकी हैंड रिटन बुकलेट के अंदर, उसमें एक क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि अगर एक बॉल एक दीवार को टक्कर मारती है विद द मोमेंटम ऑफ एम वी, टक्कर खा के वो बॉल वापस आती है विद द मोमेंटम ऑफ एम वी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? एम वी जाने का, एम वी आने का, तो चेंज कितना है? जीरो नहीं बोलना फिर ये, हाँ 2mv बोलना। मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कोई जीरो बोलता है फिर बोलना कि मैंने नहीं पढ़ाया, फिर खुद बोला आपने। एग्जांपल साथ हमेशा देता हूँ ताकि याद रहे आपको, 2mv, ठीक है 2mv। नेक्स्ट है, तो इसके अंदर मास पता है, यू वेक्टर पता है, वी वेक्टर पता है, चेंज इन मोमेंटम वेक्टर निकालना है, तो फाइनल मोमेंटम वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर किया हुआ है हमने। मास हमें पता है, वी वेक्टर हमें पता है, यू वेक्टर हमें पता है, दोनों को माइनस करके आंसर, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्टिव भी हमने किया था पर ये नहीं किया। ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक सिलेंडर है, आपको ये कैसा सिलेंडर है, ये तो मेरे को सर्कल लग रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये सिलेंडर है, ऐसा दिखता है सिलेंडर, आपको सिलेंडर का ये पोर्शन दिख रहा है, तो आपको क्या दिखेगा? सर्कल। तो ये बोर्ड के अंदर जा रहा है सिलेंडर, तो ये सर्कल है, क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसके ऊपर ये मान लो सिलेंडर काफ़ी बड़ा है, गोल है, ड्रम की तरह है, आपने उस ड्रम पे एक रस्सी टांग दी कुछ ऐसे इसके ऊपर, तो छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है, वो रस्सी टांग दी और दो ब्लॉक्स लगा दिए, एक ब्लॉक M2 एक ब्लॉक M1। अब कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है M2 भारी हुआ तो ये ड्रम को ऐसे घुमा देगा, सिलेंडर को ऐसे घुमा देगा, सिस्टम खराब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं, और अगर M1 भारी हुआ तो वो नीचे ऐसे आ जाएगा। पर क्वेश्चन में गिवन है ये इक्विलिब्रियम में, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, क्वेश्चन में इट इज गिवन ये इक्विलिब्रियम में, तो प्रूव करो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल साइन थीटा M2 बाय M1 के इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को ऐसे करते हैं, ये देखो ये मान लो आपके पास ये एक सिलेंडर है, ये रहा, ठीक, मैंने यहां बना दिया, इसके अंदर सपोज आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, ये देखो ये एक स्ट्रिंग है जहां एक मास लगा हुआ है, ये स्ट्रिंग इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर होती 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 मास M1 के साथ अटैच्ड है कुछ ऐसे, सही है, एक मास नीचे है एक मास यहां पर है, चेक कर लो ये मास कितना है, M2 है यही है, और ये मास कितना है, M1 है। रस्सी खींचेगी या नहीं खींचेगी? टाइट है, तो इसमें क्या हो जाएगी? टेंशन। रस्सी का मास नहीं है तो टेंशन की वैल्यू विल बी सेम। तो टेंशन की वैल्यू अगर हम कंसिडर करें तो टेंशन कैसे बनेगी? जैसे इसमें ये टेंशन है तो ये टेंशन है, यहां पे टेंशन कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, ऐसे टेंजेंशियल बनाओ। देखो टेंशन वेक्टर कभी गोल नहीं होता, वेक्टर भी कभी गोल होते हैं, वेक्टर तो स्ट्रेट होते हैं, एरो होते हैं। तो अगर तुम्हें इतने से हिस्से पे टेंशन बनानी है, ड्रॉ अ टेंजेंट, हवा में जाता है डायरेक्शन जाने दो, वो तो डायरेक्शन बता रहा है पर टेंशन तो अंदर ही है रस्सी के। तो टी और टी क्लियर है, तो यहां टी और टी सेम है, इसका जो वेट है वो कितना है, M2g, तो ये वेट है M2g, और ऐसी इसका वेट कितना है, M1g, तो ये मैंने बना लिया M1g। आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो इमेजिनरी लाइन है ऐसे, ये जो एंगल बना हुआ है वो कितना है, थीटा है, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा है। M1g का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा M1g cos ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा M1g sin ऑफ थीटा, और ये रहा इसका नॉर्मल रिएक्शन एन। तो डायग्राम क्लियर है यहां तक? अगर आप ये चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम रेस्ट पे रहे तो ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो पहली इक्वेशन क्या है, टी इज इक्वल टू M2g, सही है यहां तक? और अगर आप ये चाहते हैं कि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे तो ऊपर जाने की फोर्स टी मस्ट बी इक्वल टू पीछे जाने की फोर्स M1g साइन थीटा, तो टी इज इक्वल टू M1g साइन थीटा। आप इन्हें इक्वेट क्यों नहीं कर लेते? तो M1g साइन थीटा इज इक्वल टू M2g, जी से जी कैंसल, तो साइन थीटा की वैल्यू M2 डिवाइडेड बाय M1 आंसर। तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको ऑप्शन मार्क करने को कहेगा, मैं टेक्निक सिखा रहा हूं कि ऐसी कुछ टेक्निक से इसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके बुकलेट में ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, सेम चीज़ की हुई है,
आप इक्वेट कर लेना, आपका आंसर आएगा। ये ऑब्जेक्टिव हमने लास्ट टाइम शीट में कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, पैराबोलिक पाथ, ये पुली भी हमने कर ली थी, यहाँ तक हमने कर लिया था।